हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सुखमिक और सोडी न्यूमरोलॉजिस्ट अटारो कंसल्टेंट इन लाइफ कोच कैसे हैं आप सब लोग गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक होने वाला है कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं ये यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए आपके माइंड में क्या चल रहा है उनके लिए हम दोनों चीज़ें ही देखने वाले हैं आज की रीडिंग के अंदर एंड uh, आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है आपने एंड uh, यहाँ पर बुकिंग्स ओपन हो चुके हैं पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड uh, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई है आपने क्रिस्टल्स के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इतने सारे लोगों के मुझे रिव्यूज़ आए हैं जिन लोगों भी क्रिस्टल्स लिए थे उनको बहुत बहुत आ, अच्छा उनका फीडबैक आया है मुझे एंड आई एम रियली हैप्पी और किसी ना किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ मुझे बहुत खुशी है आपकी लाइफ को बेटर बना पाई हूँ एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार बहुत सारी विशेस आपके जो भी मनोकामना हो ज़रूर पूरी हो सारी विशेस आपके फुलफ़िल हो यही मेरी तरफ से मेरी डिज़ायर है मेरी विशेस है आपके लिए अब जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स दोनों की फीलिंग्स ही मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस में दे पाती हूँ एंड uh, हम लोगों के डिस्काउंट भी चल रहे हैं बुकिंग्स के ऊपर पर्सनल रीडिंग के ऊपर तो उसके लिए भी आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं क्योंकि आज और कल के लिए ही डिस्काउंट बाकी है ठीक है गैस अब हम ये देखने वाले हैं सबसे पहले उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर अच्छी अच्छी बातें सोचनी है ओके नाइन ऑफ वर्न्स इज द फर्स्ट कार्ड हियर योर ऑफ वर्न्स किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वर्न्स सेवन ऑफ कप्स नाइन ऑफ पेंटिकल्स Three of Wands, Page of Cups, okay. Knight of Swords, one more card please, Death, okay. Bottom of the deck is Justice. So guys, uh, यहां पे uh, science discuss कर रहे थे हैं. सबसे पहले मुझे यहां पर uh, जो साइन सबसे ज़्यादा निकल कर आया है दैट इज़ एरीज लियो सेजिटेरियस ओके टॉरस वगो केप्रिकॉर्न भी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एंड जमुना लिब्रा एक्वेरियस है ये साइंस आपके यहाँ पर निकल के आए हैं सारे ही साइंस हैं आपका साइन आया है किसी रीडिंग में नहीं आया उसका आप टेंशन नहीं लें आप रीडिंग पे गौर फरमाएं कि रीडिंग क्या कह रही है वो आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है ओके एंड स्टार्ट करते हैं गाइस कोई भी जेंडर से हैं आप उससे फर्क नहीं पड़ता मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं स्टक हैं आपको लेकर एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया हो या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए ठीक है एंड ये पर्सन भी सोच रहे हैं जैसे कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया आपके साथ ये रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बना पाए आपको वो वफ़ा नहीं दे पाए आपके साथ अच्छा नहीं कर पाए मे बी ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहे हैं इन्होंने कमिटमेंट के लिए डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक इनको समझ ही नहीं आ पाया है कि क्या करना है कमिटमेंट आपको देनी है नहीं देनी है क्या करना है ये अभी तक बहुत कन्फ्यूज एनर्जी में है एंड पहले भी कंफ्यूज एनर्जी में रहे होंगे देखिए इनके मन में इमोशंस आज भी आपके लिए हैं आज भी ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आज भी ये आपके साथ फैमिली देखते हैं कितना ही खूबसूरत कार्ड आया है यहाँ पे ये यह कार्ड टू एन रिलेशनशिप को भी दिखाता है सच ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव कार्ड सेलिब्रेशन को दिखाता है यूनियन को दिखाता है सडन मैरिज को दिखाता है एंड मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है जैसे अचानक से ही आपकी शादी के लिए ये प्लान कर सकते हैं हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है मुझे मैरिज का, का कार्ड है विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे टूवन फ्लेम जैसे कि सारे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं जो कि आप दोनों को री कर कर जाएंगे आप दोनों को साथ में मिलाकर एक दूसरे के साथ जाएंगे एंड आई फील ये पर्सन आज भी आपको आपके बारे में सोचते हैं आपको एक ऐसी लेडी देखते हैं जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं जो कि फैमिली ओरिएंटेड है जो कि बहुत लविंग है केयरिंग है नर्चरिंग है जिसका नेचर बहुत सॉफ्ट है आप बहुत सॉफ़्ट स्पोकन लगते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं उनको बहुत इंटाइसिंग लगते हैं एक अलग सा ही चाम है आपके अंदर और आपको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है पर आप उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं ऐसा उनको लगता है और और उनको ये लगता है कि आप उन पर बहुत स्पाई करते हैं बहुत नजरे रखते हैं कि वो भी अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाएं आप उनसे यही चाहते हैं उनको ऐसा लगता है बहुत होमली हैं बहुत काइंड हैं एंड अभी भी जैसे वो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल साथ दिख रहा है बना हुआ या फिर वो अपने फैमिली की तरफ थोड़े ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अ, कही कहीं ना कहीं इंक्लाइन हो गए हैं कि उनके मदर और फादर जैसे उनको कही कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं एज इन दे डोंट वांट कि उनकी शादी आपसे हो एंड शायद उनके लिए उनकी फ़ैमिली भी इंपॉर्टेंट है ना आप भी इम्पॉर्टेंट है तो अभी इस सिचुएशन में जो है कार्ड आता है सेवन ऑफ काप्स का जो कि दिखाता है कन्फ्यूजन को कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है आप दोनों के बीच में बहुत ही कन्फ्यूज हैं ये इनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं कभी इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए मे बी वो फैमिली स्टेटस मैच करेगा नहीं करेगा मे बी मेरे पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मे ब ये मेरे लिए सही इंसान है नहीं है, तो ये इस तरीके की कंफ्यूजन में आ गए हैं और मे बी इनके पास कोई और लोग भी हो जिनसे ये बातचीत करते हैं जिनके साथ ये इन्वॉल्व है जिनके साथ इनका एक अट्रैक्शन है ऐसा भी मुझे यहां पर दिख रहा है एंड आई फील जैसे कि person पर्सन को इतना पता है दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टे विद यू ये पर्सन आपके साथ रहना चाह रहे हैं नो मैटो वॉट ये आपके साथ रहना चाह रहे हैं ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और वो उनके साथ भी उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं ये पर्सन मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं इनका ध्यान ही आपसे नहीं हट पा रहा है ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चाहे ये ट्राई कर रहे हैं बट ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ये फेल हो जाते हैं उस चीज को करने में ये फेल हो जाते हैं और ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ जस्टिस करनी चाहिए इनको गलत करने का रिग्रेट जो है सताता है जिन्होंने जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया कभी कभी ये पर्सन इस तरीके की, की भी प्लानिंग करते हैं जैसे आपको लेकर चले जाएं बट मैं आपको एक बात बताऊंगी कुछ भी ये पर्सन शो करें डज मैटर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत इमोशंस हैं एंड ये छुपा रहे हैं अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को रोक लेते हैं बट मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप भी दिख रहा है एंड आई फील जैसे ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हूँ या तो अभी दूरियाँ हो गई हैं या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है बट इस पर्सन की जो नज़रें हैं आप पे हैं एंड ये पर्सन का बहुत मन करता है आपसे इमोशनल बातें करने का अपने मन खोल कर, आपके सामने रखने का आपसे दिल की बातें करने का वो इमोशनल टॉक जो कि इनको ऐसा लगता है आप इमोशनली अवेलेबल रहते हैं इनके लिए और इनका दिल जैसे आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है इनको नहीं पता है आपकी शादी इनसे होगी नहीं होगी क्या होगा आगे जाके पर ये पर्सन आपके साथ आज भी रहना चाहते हैं बिलीव मी ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे आम, या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं या फिर मैरिज की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हो एंड इस पर्सन की डाइवोर्स की बात चल रही है या आपके डाइवोर्स की, की बात चल रही है या फिर आप ये चाहते हैं कि डाइवोर्स करें और आपके साथ आएँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है नॉट फॉर एवरीबडी ठीक है एंड ये पर्सन चाहते हैं जैसे आपको ले जाएं आपको कहीं दूर ले जाएं और ये पर्सन कुछ चूज करने वाले हैं आप तीनों के अंदर से ठीक है जैसे आप आप दोनों के अंदर से या तो वो उनके साथ जाएंगे वो थर्ड पार्टी जो है कोई फीमेल भी हो सकती है मदर फादर भी हो सकते हैं इनका करियर भी हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत दिख रही है पर्सन बहुत इनडिसाइसिव हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बट इमोशनली जैसे बहुत हर्ट हैं एंड यहाँ पे करने की ज़रूरत ये है कि अगर आप सच में चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ रहें तो वैसे ही अच्छा अच्छा सोचने लगें एंड कुछ रेमिडीज़ कर कर भी जैसे आप सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं दिस इज़ वट आई फील एंड इतनी खराब सिचुएशन आप लोगों की यहाँ पर नहीं है चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं बट ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं आप ही के साथ रहना चाहते हैं आप ही को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं चाहे कुछ भी दिखाएं नहीं दिखाएं बट शादी आप ही के साथ सोच रहे हैं और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे मैरिज आप लोगों की मुझे होती हुई दिख रही है सडनली ऐसा कुछ होगा इनको रियलाइजेशन होगा कि जैसे आप ही इनके लिए सही मैच हैं और इनको और कुछ भी समझ में नहीं आएगा कोई भी समझ में नहीं आएगा चाहिए कितने भी ऑप्शंस रख लें किसी के भी साथ चले जाएं डजेंट मैटर इनको यही लगेगा कि यही मेरे लिए सही मैच है क्योंकि यही मुझे इमोशनली समझ पाती है यही मुझे प्यार कर पाती है यही मुझे केयर कंसर्न दे पाती है इस तरीके की फीलिंग इनको आती हुई दिख रही है अब हम ये देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के लिए हाउ डू यू फील एंड वट आर यू फीलिंग अबाउट दिस पर्सन ओके ब्यूटिफुल कार्ड आ गया है विच इज नाइन ऑफ कप्स अमेजिंग ऑफ कप्स इज वेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है या तो आप या आपके पर्सन ये हो सकते हैं ओके ब्यूटिफुल पेज ऑफ डेथ भी आ गया है द चारियड भी है यहाँ पर एंड द मजिशियन भी है लवली TK guys. देखिए जस्टिस अगेन बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे डाइवोर्स का भी दिख रहा है या तो वो मैरिड है या फिर आप उनसे या शादी करना चाहते हैं या वो शादी में फंसे हुए हैं आप चाहते हैं वो डायवोर्स कर कर फिर आपसे शादी करें मतलब इस तरीके का मुझे ऐसा यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप शादी के लिए जैसे बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड आप सच में इस पर्सन से बहुत जुड़े हुए हैं और आपको ऐसा लगता है आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग और मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सही जा रही है वो आपको ब्लॉकेजेस से निकाल रही है एंड वो आपकी मैनिफेस्टेशन सही जा रही है मुझे यहाँ पर बहुत यंग एनर्जी फील हो रही है आपने बहुत ही जैसे दिल खोल कर इनसे प्यार किया हो आपने अपने मेचोरिटी uh, से कुछ भी नहीं सोचा आपने क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं सोचा आपने बस इनको दिल दिया है मुझे ऐसा लग रहा है और आपने इनके लिए सब कुछ किया है आपने uh, किसी भी तरीके से कोई अपने माइंड में ऐसा नहीं आने दिया कोई कंडीशन नहीं आने दी कोई थाट्स ऐसे नहीं आने दिए जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट करें आपने बस यही सोचा मुझे इसके साथ रहना है और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी या फिर वो फ्रेंड्स बनकर और फिर वो रिलेशनशिप आगे शुरू हुआ होगा बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी और हमेशा के साथ वो फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं बहुत अच्छी मेमोरीज आप दोनों की रही हैं और हमेशा आपने इनको खुश रखने की कोशिश करी है हमेशा आपने इनके लिए करने की कोशिश करी है और आप इनके साथ जो आपको खुशी मिलती है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं और मिलते हुए नहीं दिख रही है करना आपको ये है अगर आप अगर आप चाहते हैं आपकी विश फुलफ़िल हो तो प्लीज़ मैनिफेस्ट करना शुरू करें मैनिफेस्ट कैसे करें है ना टेक्निक फॉलो करें क्या करें टेक्निक नहीं भी फॉलो कर सकते हैं कुछ लोग तो सिर्फ आप अच्छा अच्छा सोचें इस पर्सन के बारे में और भगवान से मांगें कि अगर ये आपके लिए सही है तो ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली आए ठीक है तो अच्छा अच्छा जैसे आप सोचते हैं वैसे विजुअलाइज़ करना है लग जाएँ आप कि हाँ ऐसा मैं इमेजिन करें कि ऐसे आपके साथ वो बैठे हैं और आपके साथ वो तो बहुत खुश हैं जैसे भी आप चाहते हैं बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं आपकी इनके साथ एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आप चाहते हैं कि इस ब्लॉक से निकल कर आगे बढ़े कुछ तो स्टेप लें कुछ तो मूवमेंट करें या आपके पास चले आए आप इनके साथ हर स्थिति में रहने के लिए जैसे हर स्टेट में रहने के लिए आप इनके साथ तैयार हैं कोई भी सेकेंड चांसेस हो कैसी भी सिचुएशन हो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनके साथ रहें ही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियां आपने ऐसी कर दी हैं जल्दबाजी में बचकाने जो है एक एटीट्यूड आपका रहा है यंग एनर्जी आपकी रही है बहुत ज़्यादा डोसाइल आप रहे हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि आपने ऐसी चीजें कर दी हैं कि जैसे आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है बट मुझे ऐसा लग रहा है अब आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अब आप चाहते हैं रहना है तो सही से रहो पर आप अब खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं आप चाहते हैं वो आए अब वो मूव करें मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन बहुत लोगों के लिए दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके सोलमेट हैं या टूवन हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है एंड and... बहुत अच्छा कनेक्शन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस पर्सन के साथ अमेजिंग गाइस एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहे हैं आप चाहते हैं मूव करें आगे बढ़ें वो खुद आएँ वो कुछ भी करें खुद आएँ और मैसेज करें कॉल करें ये आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए या वो कुछ अपने मन की बात बोलें क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये आप इनसे चाहते हैं और शादी आप इनसे करना चाहते हैं क्योंकि आप भी अब मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ये है आपकी एनर्जी अब हम उनकी तरफ से अगर कुछ मैसेजेस वो आपको पकड़ाना चाहें देना चाहें बताना चाहें तो वो क्या होंगे ठीक है वो भी हम पिक करते हैं आई थिंक गिर गए हैं मैसेजेस uh, उसको हम पढ़ लेंगे अभी सो द फर्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू किस यू मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ दूसरा मैसेज यहाँ पे है आई वॉज़ सो सिली टू लेट यू गो मैं बहुत पागल था कि मैंने तुम्हें जाने दिया मैं कितना स्टूपेड था सडन चेंजेस देखिए मैंने आपको कहा है सडन मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं सडन ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे तो इस चीज़ को भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं आने वाले टाइम में अप्रैल मई जून देखिए जैसे ही मैंने ये बोला सडन चेंजेस तो हो सकता है अप्रैल मई जून में या तो आपकी लाइफ के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम हुई हो या तो ये चले गए हो आपको छोड़कर या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इस टाइम से आने शुरू हो गए हो ना या आपका रिलेशनशिप कुछ इन महीनों में शुरू हुआ हो या इनका बर्थडे इस महीने में आया हो या आपका आता हो ठीक है ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंड हो सकता है अगले अप्रैल मे जून तक भी चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीटली सही हो सकती हैं ऐसा भी हो सकता है नॉट सेइंग इतना टाइम लगेगा हो सकता है रिकवरी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मुझे रिकवरी दिख रही है फिर से रिकन्सिलेशन दिख रहा है जो भी लॉसेस आपके हुए हैं मुझे लग रहा है जैसे वो ठीक होंगे वेट फॉर मी ये आपको बोल रहे हैं मेरे लिए रुको प्लीज़ कितने ब्यूटिफुल मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी दिख रही है आप या आपके पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं इमोशनल दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन और आप भी नो वन कैन अंडरस्टैंड मी दू वे यू डू जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जैसे आप इनको समझते हैं आपको ये समझते हैं जब कितना प्यार है आप में कितना लव लविंग एनर्जी है आपके अंदर फुल ऑफ लव हो फुल ऑफ लाइफ हो आप कितना समझते हो कितनी अंडरस्टैंडिंग हो ये अब इनको फील होता है क्योंकि अब इनको ऐसा लगने लगा है कि कोई मुझे नहीं ऐसा समझ सकता जैसे तुम समझती हो ट्रस्ट इश्यूज विश्वास की थोड़ी कमी दिख रही है या तो आप इन पे विश्वास नहीं करते ये आप पे विश्वास नहीं करते हैं थोड़ा सा ट्रस्ट को लेके प्रॉब्लम है या तो हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया हो छोड़ के चले गए इसलिए आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आई कैन गेट ओवर योर थाट्स मैं तुम्हारे थॉट्स से तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कि जैसे आप ही के बारे में सोच रहे हो इंट्यूशन इंट्यूशन आपकी कुछ कहेगी आपको उसको आपको सुनने की ज़रूरत है मेरे को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं जैसे अपनी इंट्यूशन की बात को आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं ये डरते हैं ये रिजेक्शन नहीं फेस कर सकते हैं इनको लगता है अगर ये आपके पास आएंगे तो आप रिजेक्ट नहीं कर दें वेन एवर माई फोन रिंग्स आई थिंक इट्स यूज कॉलिंग तो जब भी इनका फोन बचता है इनको ऐसा लगता है जैसे आप ही हैं जो कॉल कर रहे हैं और आप ही का कॉल आ गया हो, हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि आपको ऐसा फीलिंग आती हो देखिए कोई आया स्टेबिलिटी 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 आती भी दिख रही है रिश्ते में फॉर्मनेस आती भी दिख रही है रिश्ते में लेट्स बी टुगेदर अगेन फिर से एक हो जाते हैं ना ब्यूटिफुल गाइफ अमेजिंग मैसेजेस और क्या है विल यू गिव मी आकेंड चांस क्या तो मुझे फिर से एक चांस दोगी या नहीं ऐसा ये सोच रहे हैं गुड न्यूज अ ब्यूटिफुल गायज की गुड न्यूज आपको मिलने वाली है अमेजिंग बैलेंस बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा कैसे होगा वो मेरे पास आएगा नहीं आएगा इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं बैलेंस बना के रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है जब हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो कुछ नहीं है तो इसलिए प्लीज़ बैलेंस बना के रखें और अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करें सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फोर छः पंद्रह चौबीस को आपका बर्थडे हो, हो सकता है इनका बर्थडे हो सकता है या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है ब्यूटिफुल गाइड एंड दिस इज द लास्ट मैसेज योर ट्रस्ट इशूज सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया था आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं एक मैसेज मैं पिक करूंगी आपके लिए ओके डिवाइन हीलिंग ब्यूटिफुल ऑन अ योर सेंसिटिविटी रीच रीट टू रीच आर्ज इन हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स सो डिवाइन हीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे गॉड ही आपको हील कर रहे हैं और इंट्यूशन पे विश्वास रखिए जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है वो कुछ बोल रहा है आपको कुछ समझा रहा है डिवाइन हीलिंग जैसे होने वाली है आपकी एंड जो भी आप इतने सेंसिटिव हैं चीज़ों को फील कर लेते हैं वो एक गॉड गिफ्ट है आपके लिए उसको समझिए अपने आप को थोड़े टाइम के लिए ना ये सब चीज़ों से लोगों से जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं जो आपका पर्पज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनको साइड पे रखिए उनको जाने दीजिए अपने आप को जैसे डिसकनेक्ट करिए वर्ल्डली अफेयर से और बस आपने करना यही है अपना सब चीज़ें थोड़ा सा डिसकनेक्ट करो देखो कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत है जो भी लोग आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके आपके पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं आपके लाइफ पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनको जाने दीजिए ज़बरदस्ती मत उनके साथ अटके रहिए एंड अपने आप को हील होने दीजिए और आपके अंदर जो लाइट है आपके अंदर जो पावर है जो आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है जो आपके अंदर हर एक इंसान के अंदर डिवाइन एनर्जी होती है उसको बाहर आने दीजिए और वो ही लाइट आपकी लोगों को हील कर सकती है सबसे पहले आपको खुद को हील होने की जरूरत है फिर आप लोगों को हील कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट करिए अपने आप को ये बार बार देखना कौन क्या कर रहा है कौन ऑनलाइन आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी कोई कर रहा है उसको करने दीजिए आप अपने ऊपर फोकस करिए यही आपको यहाँ पर जो है करने की ज़रूरत है और हील करिए अपने आप को भगवान से पूछिए आपको क्या करने की ज़रूरत है इंट्यूशन पे विश्वास रखिए अपनी इनर वॉइस को सुनिए डिस्कनेक्ट करिए उन लोगों से जो कि आपको परेशानी दे रहे हैं आपको डाउन फील कराते हैं आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं आप, आप बुरे हैं आप बिल्कुल भी जैसे Uh, किसी चीज़ को करने लायक नहीं है उन लोगों से दूर रहिए और अपने आप को एक बेटर स्पेस में रखने के लिए बेटर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ठीक है अगर आप चेंज चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करने की भी ज़रूरत होती है तभी आपकी लाइफ बदलेगी तो वही आपको करने की ज़रूरत है यही है आज का मैसेज आई होप यू लाइक द रीडिंग अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं वहां पे मैं करती हूँ फ्री रीडिंग्स मिलती हूँ अगली वीडियो में बाय